नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ऑडियो इंटरफेस और माइक्रोफोन। बहुत से ऐसे लोग थे जो पूछ रहे थे कि हमारे होम स्टूडियो के लिए या फिर प्रोफेशनल स्टूडियो के लिए, जो छोटा स्टूडियो है उसके लिए कौन सा ऑडियो इंटरफेस अच्छा होगा या कौन सा माइक्रोफोन अच्छा होगा। तो ये मैंने ऑडियो इंटरफेस लिया है अपने स्टूडियो के लिए। तो ये देखिए ऑडियो इंटरफेस है फोकस राइट स्कारलेट सोलो। इसमें एक इनपुट है और दो इनपुट है, ये माइक्रोफोन के लिए और ये गिटार या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, और ये है हेडफोन के लिए। तो चलिए इसे देखते हैं खोलकर। इसके साथ एक यूएसबी केबल मिलता है और ये रहा ऑडियो इंटरफेस से है। ये देखिए ये मॉनिटर का ये नॉब दिया हुआ है, इसे आप तेज कम कर सकते हैं। ये मॉनिटर ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। ये हेडफोन है, ये हेडफोन के साथ आप ये ले सकते हैं ऑडियो स्प्लाइटर। इसमें एक हेडफोन लगाने के लिए दिया हुआ है, तो इसे कनेक्ट करके आप दो हेडफोन्स लगा सकते हैं। और एक अलग से ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि हेडफोन इसमें डायरेक्ट नहीं लग पाएगा, इसे लगाना होगा और फिर इसमें 3.5 mm वाला जैक इसमें लग जाएगा। तो इसे आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। और ये इनपुट का गेन बढ़ाने के लिए नॉब दिया हुआ है। और पीछे देखते हैं, ये होम थिएटर या कोई भी साउंड सिस्टम है अगर आपके पास, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और ये यूएसबी दिया हुआ है, इससे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आते हैं हम माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन रहा स्टूडियो माइक्रोफोन BM800 ब्लू। इसे देख लेते हैं खोल के। इसके साथ एक केबल मिलेगा आपको, ये कनेक्ट हो जाएगा। या फिर ये करना पड़ेगा कि इसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसमें कनेक्ट करने के लिए, ये फैंटम पावर से कनेक्ट करने के लिए एक केबल बदलना पड़ेगा। ये अलग से कनेक्टर लेना पड़ेगा उसके लिए, 3 pin वाला ऐसा ही होगा और इसमें पिन निकला हुआ होता है, तो उससे हो जाएगा कनेक्ट। और ये इसके साथ दिया हुआ है ये होल्डर, ये होल्डर है माइक्रोफोन होल्डर, इसमें माइक्रोफोन लग जाएगा, इसमें लगाना पड़ेगा। और इसके साथ ये दिया हुआ है एक, अगर पॉप फिल्टर नहीं है तो ये लगा सकते हैं। और ये दिया हुआ है माइक, ये माइक है, अगर पॉप फिल्टर नहीं है तो इसे लगाकर काम चला सकते हैं, ये लग जाएगा इस तरह से। तो ये काफ़ी कम बजट में, अगर आपको एक होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाना है तो ये सब सामान ज़रूरी है। ऑडियो इंटरफेस और एक ऐसा माइक्रोफोन, ये बहुत ही अच्छा साउंड देता है। तो उम्मीद है मुझे कि आप सभी को ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।